हेलो गाइस, सो हम हैं हाई राइडर ई नियो ड्राइव के सामने। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसका जो एसी की फंक्शन है ऑटोमेटिक एसी की, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको आज इसका एसी की जो फंक्शनिंग है इसके ऑटोमेटिक एसी की, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। स्टार्ट कर लेते हैं पहले। इसका एसी स्टार्ट हो गया है, तो इसके फीचर्स बताते हैं। तो ये है ऑफ का, ठीक। इससे ऑन मतलब सिर्फ ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसके बाद हमें ये होता है कि एयर वेंटिलेशन जो होता है, एयर सर्कुलेशन, अंदर की हवा को ही ये रिसर्कुलेट करता है। अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो बाहर की हवा अंदर आती है। तो सपोज अगर बाहर जैसे कहीं मिल्स वगैरह के पास में होते हैं तो जो बदबू वगैरह होती है वो बाहर के अंदर आती है। तो अगर वो नहीं चाहिए तो एयर ये रिसर्कुलेशन ऑन कर दीजिए आप, अंदर की हवा अंदर ही रिसर्कुलेट होती है, इससे एसी ऑन होगा। ये रिसर्कुलेशन का बटन था, ये है एसी का बटन। यहाँ से एसी ऑन होगा। एसी ऑन या ऑफ करना तो आप इसको प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ मेंशन भी होता है एसी के लिए। ये अभी ऑटो पे है। ये मैं अगर इसका फ़ैन कुछ भी चेंज करता हूँ, फ़ैन की सेटिंग ये आप देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 फैंस की सेटिंग्स हैं इसमें। तो ये मैंने अभी बंद कर दी, ठीक है। इसको सबसे लोएस्ट पे कर दिया मैंने। इसके बाद इसमें है ये ऑटो का बटन, ठीक है। ऑटो का बटन मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले ये टेम्परेचर बताता हूँ। ये टेम्परेचर है, तो सपोज़ इसमें मिनिमम जाता है 18 डिग्री, उसके बाद इसमें होता है एक लो, तो ये लो पर सेट होगा। सपोज़ आप बहुत ज़्यादा गर्मी में हैं, गर्मी गर्म गर्म गाड़ी हो रही है, धूप में तप रही थी, तो उसके बाद आप इसको लो के कर दें तो सबसे जल्दी चिल करेगी। तो हमने इसको मिनिमम 18 करके छोड़ दिया सपोज़। इसके बाद हमें इसको ऑटो को अगर दबा देंगे तो ये गाड़ी का टेम्परेचर 18 करेगी, उस हिसाब से फ़ैन स्पीड अपने आप ही मेनटेन करेगी ये गाड़ी जो उसको रखनी है। तो मैंने अभी सपोज़ मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, मैं इसको 22 पे रखता हूँ, तो 22 पे इसने अपने हिसाब से इसका गाड़ी का जो टेम्परेचर था केबिन का, उस हिसाब से इसने 2 की फ़ैन की स्पीड कर ली इसने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा ये है फ्रंट डिफॉगर का, इसको ऑन कर देंगे तो ये फ्रंट डिफॉग अपने आप कर देगा। तो ये जो यहाँ पे देखना है, यहाँ से हवा निकलेगी, तो ये आपका फॉग के टाइम में काम आता है फ्रंट डिफॉगर, यहाँ से ऑफ भी हो जाता है, ठीक है। ये है रियर डिफॉगर, तो रियर डिफॉगर अगर देखेंगे आप गाड़ी में तो वो जो वायर्स लगे हुए हैं वो रियर डिफॉगर के हैं, तो वो चलने लगते हैं। तो पीछे से अगर धुंध है तो वो हट जाएगी शीशे पे, रियर डिफॉगर इसलिए है। ये है हमारा, हमारे को एयर वेंटिलेशन किधर से चाहिए, तो अगर हम ये करेंगे एक बार दबाएंगे तो ये दोनों आएगा, मतलब ऊपर वाले से और जो नीचे लेग्स पे होता है एसी, तो वहाँ से भी आएगी तो हवा इसकी, ठीक है। इसके बाद जो है खाली लेग्स के लिए है, तो अगर नीचे आपको अगर हवा चाहिए तो वो कर सकते हो। इसका अगली सेटिंग्स है ये, और संग में आगे इसका जो वो होता है एसी वाले जो होते हैं विंडशील्ड के लिए, तो वहाँ से एयर वेंट से उसकी हवा आएगी। इसके बाद है ये खाली, अगर हमें फ्रंट से चाहिए तो ये फ्रंट के लिए है, फ्रंट से हवा चाहिए तो, ठीक है। इसके बाद हमने दोबारा दबाएंगे तो फिर से वापस आ गया ये, ठीक है। तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। तो मैंने इसको अभी लैक्स पे करके छोड़ दिया, इसको ऑटो पे करके छोड़ दिया, और अपने हिसाब से मैंने टेम्परेचर 22 सेट कर दिया और ये हो गया। बाकी डिफॉगर्स और ये जो दोनों फ्रंट और रियर, ये जब ज़रूरत होगी तब काम आएंगे, तो ये उस चीज़ के लिए है। इसके अलावा इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ रियर एसी वेंट के बारे में भी एक बार बता देता हूँ आपको उसका क्या सीन है। इसका जो रियर एसी वेंट है, ये इसका रियर एसी वेंट है, तो यहाँ पे करेंगे तो ये रियर एसी वेंट बंद हो जाएगा, ये हम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, और ये बाकी इसके हिसाब से ऑन हो जाएगा। तो ये रहे एसी वेंट्स। सो दिस कंप्लीट्स अवर ट्यूटोरियल ऑफ ऑटोमेटिक एसी फॉर टोयोटा हाई राइडर ई नियो ड्राइव। ये टॉप मॉडल तक सेम इसका यूनिट है एसी यूनिट्स की, ग्रैंड विटारा टोयोटा हाई राइडर की, सारे मॉडल्स की ऐसी सेम है।